इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ये हमारे बहुत सीनियर पास्ट आरआई डायरेक्टर हैं और इनके कार्यकाल में काफ़ी रोटरी ने प्रगति की है और आज हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं कि ये आज अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, 3 दिन से ये बीमार चल रहे हैं और आज ये बैठे भी थे स्टेज पे तो गोली ले रहे थे, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि ये एक रोटेरियन का कमिटमेंट होता है कि अगर आपने कह दिया कि हम आएंगे तो ज़रूर आते हैं। मैं इस रात को 12 बजे अपना कार्यकाल समाप्त करके, हरजीत जी जो हैं कल से गवर्नर बनेंगे, रोटी एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, 1.2 मिलियन रोटेरियन है वर्ल्ड वाइड में। हम लोग, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लोगों की समस्याओं का हल निकालें, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, हम लोग हल निकालते हैं। रोटरी हर साल बहुत अच्छा काम करती है। अब जैसे मेडिकल की आप बात करेंगे तो हम लोग ने अभी बहुत ही बेहतरीन 1000 ऑपरेशन किए हैं ऑन पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी, छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी, 2 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन हम लोग ने करवाया है, यहाँ तक कि हम लोग ने हार्ट रिप्लेसमेंट भी करवाया है हमारे साल में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोटरी जो है हर वक्त हर समय यही प्रयत्न करती है कि कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं अगर कुछ समस्या से जूझ रहा हो, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे वो वाटर की समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की समस्या हो, हम लोग हमेशा अपनी मन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है एक ऐसा प्लेस बने, अच्छी प्लेस बने, जहाँ पर लोग बाग रहने की उम्मीद रह के जिए और किसी के मन में ये नहीं हो कि कोई हमारी वजह से, हम रोटेरियन ने अगर अनअटेंड किया हो और उनकी वजह से उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया हो। तो ये रोटरी का एक देन है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा, हम लोग टाइम देते हैं, हम लोग मनी देते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। अगर रोटेरियन की आप परिभाषा लोगे तो रोटेरियन क्या है, रोटेरियन वो है जो तन से मन से और धन से सेवा करता है समाज में और अच्छे कार्यों में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू हरजीत सिंह तलवार हु इज़ गोइंग टू बी आवर लीडर, माई लीडर फॉर 1920, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरजीत सिंह तलवार। वेल, जिम्मेवारी गले में पट्टा आज पड़ा है, बट 2.5 साल से इसकी तैयारी चल रही है। हमारी ट्रेनिंग, हमारी टीम, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, क्या क्या हमने थ्रस्ट एरिया बनाने हैं, सब पे काम ज़ोरों से चल रहा है अभी बस। और 1 जुलाई से सब एकजुट होकर लग जाएंगे अपने थ्रस्ट एरियाज़ को निभाने में। और हमेशा हम कहते हैं कि लोगों से ये अपील करते हैं, जो जो ये वीडियो सुन रहा है, कि मंदिरों में हाथ जोड़े जाते हैं, मस्जिदों में हाथ फैलाए जाते हैं, रोटरी ही सिर्फ एक ऐसा जज्बा है जहां हाथ से हाथ मिलाए जाते हैं। आगे बढ़िए, मिलिए हमसे, हाथ से हाथ मिलाइए और हमारा काम में हाथ बटाइए। ऐसा है, हर क्लब प्रोजेक्ट करता है तो वो नज़दीक से नज़दीक अपने रोटरी क्लब में जाके
मिले प्रेसिडेंट से जो भी है, और जो जितनी मदद हो सकेगी वो अवश्य करेगा प्रेसिडेंट। हमारे 5 मेन थ्रस्ट एरियाज हैं। एक है चेक डैम बनाना है। हमने 100 चेक डैम की साइट्स आइडेंटिफाई की हैं वाडा जवाहर तालुका में, जहाँ पे हम ज़रूरतमंदों के लिए चेक डैम बनाएंगे और बोरवेल खोदेंगे। दूसरा, पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी, करीब 1500 पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी का टारगेट रखा है हमने 19-20 में। बेसिकली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और बचपन से ही उनके हार्ट में डिफेक्ट है, ये सब सर्जरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देते हैं। तीसरा हमारा थ्रस्ट एरिया है स्किल डेवलपमेंट, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा प्रयास है कि उनको हम ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग के बाद अपने काम में लग जाएंगे और अपना निर्वाह खुद कर सकते हैं। 3 मेन थ्रस्ट एरियाज ये हैं हमारे अगले साल के। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि 25 साल से हम रोटरी में हैं और इतना कुछ सीखने को मिला है। आई वुड से दैट बीइंग इन रोटरी हैज़ एनरिच्ड आवर लाइव्स इन ईच एंड एवरी वे। God has blessed us with so much, but when we go to see that there is such a need in the community, in the villages, in the rural areas, and if we are able to do even a little bit for the society, I feel we are blessed. And main support to de hi rahi hu, 25 saal se de rahi hu, because I am also getting to learn so much, to meet all kinds of people, different people, and to understand that in life, you know, there is such a need, especially in India and Mumbai, there is such a need for education, giving clothes to children, skin and organ donation. And now as a partner, I am planning to start an e-waste project where I feel that all the electronic goods that are not in use anymore are given to the raddiwala, which is causing damage to the environment, and it is filling up the land, which is creating poison. So we are planning to create awareness programs wherein we mobilize the society, the schools, colleges, clubs, to collect their e-waste and have it recycled in a scientific manner to protect the environment. So there are so many other avenues in Rotary that one can get involved in, medical projects, and I'm thoroughly enjoying it, and I will support him in each and every way. I am Harjit Singh Anand. Harjit Singh Anand. Governor Saab bhi Harjit Singh Talwar hain. Main Harjit Singh Anand hu. Aur Governor Special Aid Public Relation. आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज नवे गवर्नर इंस्टॉल हुए हैं, और ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोटरी का इंडिया में 100 सेलिब्रेशन ईयर है, और इसके अलावा पहली बार एक सिख गवर्नर बना है, जो कि हमें बहुत सिख कम्युनिटी को और सबको बहुत फख्र की बात है। एंड देन ही इज़ फ्रॉम अ आर्मी फैमिली, आज इनके फादर भी थे यहाँ पे जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए हैं। पूरी फैमिली दिल से इन्वॉल्व है, और हम चाहते हैं कि ये साल, मतलब कि पंजाबी में बोलते हैं चक दे फट्टे, मतलब ये 100 साल जो है हमारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो 1 जुलाई से रोटरी का नया सत्र शुरू होता है, तो पूरे इंडिया भर के अंदर में 38 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर स्टार्ट करते हैं अपना कार्यकाल। इंडिया में करीब 4000 के करीब रोटरी क्लब हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा रोटरी के मेंबर्स हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कि उस दिन वो लीडरशिप की कमान संभालते हैं। 1 साल तक पूरा सेवा के अंदर में निष्ठा से काम करते रहेंगे, तो उसी की योजनाएँ बनी हुई रहती हैं और इस दिन से शुरुआत होती है काम की। तो 1 जुलाई इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर मुंबई डिस्ट्रिक्ट 3141 नंबर है उस डिस्ट्रिक्ट का, जिसके कि गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज बने हैं हरजीत।